क्या आपने किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद पोस्टमार्टम करवाने के बाद भी जीवित होते देखा या सुना है? यदि नहीं तो आइए आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जीवित घूमता फिरता मिला। दरअसल ब्योहारी व जबलपुर रेलखंड के बीच ब्योहारी रेलवे ट्रैक में गैंगमैन ज्ञानेंद्र पांडे के जैसे दिखने वाला एक शख्स रेलवे ट्रैक पर मृत पड़ा मिला था, जिसे रेल कर्मी परिजन रेल पुलिस सहित ब्योहारी पुलिस गैंगमैन ज्ञानेंद्र पांडे मानते हुए पुलिसिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों के हवाले कर दिया था। जैसे ही परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी उस मृत व्यक्ति सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए और खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि इस पूरी घटना में रेलवे कर्मचारी, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस लापरवाही उजागर होने के बाद रेलवे कर्मचारी, रेलवे पुलिस व स्थानीय पुलिस एक दूसरे पर ही लापरवाही का ठिकरा फोड़ रहे हैं। शहडोल जिले के ब्योहारी जबलपुर रेलखंड के बीच ब्योहारी छेतही रेलवे ट्रैक के बीच एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी रेलवे अधिकारी, रेलवे कर्मचारी, रेलवे पुलिस व स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची ब्योहारी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पड़ी शव को कुछ रेलवे कर्मी व देवेंद्र पांडे ने अपने भाई रेलवे गैंगमैन ज्ञानेंद्र पांडे के रूप में पहचान किया था, जिस पर ब्योहारी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का ब्योहारी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने ज्ञानेंद्र पांडे का ही शव समझकर दाह संस्कार के लिए निज निवास शहडोल के लिए रवाना होने के पहले ज्ञानेंद्र पांडे बिहारो रेलवे क्वार्टर में जहां रहता था वहां पहुंचे और जो नजारा उन्होंने देखा तो मानो के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस मृतक ज्ञानेंद्र पांडे का शव मिला था वह व्यक्ति अंदर कमरे में सो रहा था। जब निकलकर बाहर आया तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। ज्ञानेंद्र पांडे ने बताया कि वह 2 दिन का रेस्ट लेकर रेलवे क्वार्टर में आराम कर रहा था, जिसके बाद परिजन जिस अज्ञात शव को ज्ञानेंद्र पांडे समझकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे उसे सभी की मौजूदगी में वापस लौटा दिया, जिसका कफन दफन कर उसकी शिनाख्ती की जा रही है। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण जिंदा व्यक्ति के नाम पर अज्ञात गुमशुदा शव को ज्ञानेंद्र पांडे के रूप में शिनाख्त कर उनके परिजनों को सौंपने के मामले में कई सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे पुलिस व स्थानीय पुलिस इस लापरवाही के लिए एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रही है। टीम भारती न्यूज जानकारी है। हमको शाम को जानकारी, क्या जानकारी हुई? बोले कि आपकी जैसे दिखने वाला आदमी 1190 में कट गया है, हाँ। ओवर हो गया था जी, उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था जी। इस वजह से इत्तफाकन सब लोग हमारे गैंग के आदमी कह दिए कि पांडे जी। हमारा भाई भी आया, वो भी धोखे में एक ही बार देखा, अब वो काफी ज्यादा खराब था तो वो भी नहीं दिया ज्यादा ध्यान से देखा। शाम को जब हमको क्वार्टर में मिला तब इनको जानकारी हुई मैं जिंदा हूँ। ये जब सब आके देखे तो आपको कमरे में, तो कमरे में आप सो रहे थे, है ना? फिर डबल एक्स्ट में था मैं, हाँ। वो कमरे में था जी। तभी इनको जब जानकारी हुई फिर डेड बॉडी गए रात में लौटाने के लिए, पहाड़ घर गए। पहले डेड बॉडी ले आए थे आप? हाँ, पोस्टमार्टम भी हो गया था, हाँ। इसके बाद भी जिंदा हो गए? हाँ। मुझे बता दे, मुझे का तैयारी रही। 25,000 रुपए मिलने वाला रहा अनुदान राशि जी के लिए। तो ये किसकी नाकामी आप समझते हैं कि ये किसकी नाकामी हो सकती है, किस तरह से किसी गलत आदमी को? हमारे जो रेल प्रशासन, जो उच्च अधिकारी, जो हमारे सहपाठी हैं जी, उसको अच्छे से ध्यान से नहीं देखे, नहीं तो उतने समय वेरीफाई हो जाता कि हम है कि नहीं। रेलवे विभाग से हमको, हमारे पास फोन आया जी, ज्ञानेंद्र कुमार पांडे एक्सीडेंट में खत्म हो गए जी। तब हम फिर आए जी, तो हो गया एक ही नज़र देखे, ठीक से देख भी नहीं पाए, तब कोई बोले कि ज्ञानेंद्र पांडे जी, तो हो गया इसी के नाम से पूरी कार्रवाई की गई जी। फिर जब रात में गए चेक करने के मकसद से कि फोन वगैरह नहीं है इसके पास जी, तो घर में होगा क्या कैसा है, जब घर का अंदर घुस के देखे तो इसको सोता हुआ था। तब फिर पुनः उसकी बॉडी हॉस्पिटल में जमा किए और थाने में रिपोर्ट हम लोग अपना बयान दिए कि भैया ये इस नाम का आदमी जीवित जी, तो जो कुछ हुआ पहचान करता विभाग द्वारा गलत पाया गया जी, जो कि ज्ञानेंद्र कुमार पांडे वो नहीं है जी। तो पुलिस प्रशासन भी रहा, पुलिस प्रशासन ने आपको सूचना किया? हाँ, वो भी थे वहाँ, उन लोगों ने फोन किया। फोन किया था एक मिश्रा जी मुंशी, अच्छा, उन्होंने भी फोन किया था कि आप आइए देखिए क्या क्या बताइए।
नहीं, कल पोस्टमार्टम इवनिंग ड्यूटी में हुआ है, डॉक्टर डी के प्रशासन ने किया है जी। और वो रेलवे का ही था कि वो रेलवे पुलिस लेके आई थी जी। अब किसका, आप अगर ये बोले जिंदा व्यक्ति का, मतलब कोई व्यक्ति जो जिंदा है उसका पीएम हो गया, तो पीएम तो खैर मृत व्यक्ति का ही हुआ होगा, किसका हुआ इसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा जी। जी तो मैं डॉक्टर प्रशासन सर से बुला के जानकारी बताए लेके आप बता दूंगा क्या है जी। ठीक। Subscribe now to most exciting channel ever.